बाबूजी आओ जो मैं माँ से मिलते हुए स्कूल जाऊंगी और फिर स्कूल के बाद में वो अनाथ आश्रम के बच्चे लोग को डांस सिखाना है तो देर हो जाएगी। हाँ ठीक है, तू घर के और माँ की चिंता मत कर, हम सब संभाल लेंगे। समदन जी के यहाँ समर तो पहुँच भी गया होगा। ले ये ले, याद से खाना खा लेना। थैंक यू। आओ जो आज पहला दिन है, पता नहीं कैसे सब होगा। सब ठीक हो जाएगा। वाह मम्मी गई। हाँ तू जल्दी से तेरा और तोशु का टिफिन दे दे, मैं थेपला चक भर देती हूँ। ये लीजिए बा। हाँ हाँ। गॉड, एक मेड होती तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती, राइट? अनुपमा खुद तो निकल गई और तुम फंस गए। अब बाकी सारा काम तुम्हें करना पड़ेगा। मम्मी सारा काम करके गई है काव्या। इनफैक्ट आज तो मैंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि बा, बापूजी, समर, बाकी इन्होंने मम्मी की हेल्प किया। बा, बापूजी, बा। आ भी गई? हाँ बा। सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ी देर हो गई, सब्जी ला दी है, पर मुझे अभी के अभी माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। वो बाविस को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है और समर वहीं पर है, उसके साथ मिलकर लेकर जाऊंगी। क्यों, उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई? हाँ वो पैसे रख, थोड़े काम आए। नहीं बापू जी, मेरे पास है नहीं। अरे डॉक्टर का क्या पता, कितने भी मांग ले, ले रख। ले ले, हाथ में पैसा होगा तो इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा, ले ले। थैंक यू बापू जी, मैं आके खाना बना दूंगी। नहीं नहीं, आज हम पिज्जा खाएंगे। हाँ एक पैक फ्री वाला। अब तो ज्यादा सोच मत, जा जल्दी। थैंक यू। आपको पिज्जा पसंद नहीं है तो मैं किंजू बेबी को बोल के दो तीन रोटी बनवा दूंगी। बाप बापूजी, मम्मी इतनी जल्दी में कहाँ गई है, सब ठीक है ना? हाँ उसकी माँ की तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ गई थी तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना है। और वापस आने में कितना टाइम लगेगा पता नहीं है। हाँ। तू चिंता मत कर, हम पिज्जा मंगवा लेंगे, बस तेरे बापूजी के लिए दो तीन रोटी बना देना। बा मेरी और किंजल की एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑनलाइन मीटिंग है अभी, उसकी प्रेपरेशन भी करनी है हमें। तुझे नहीं बोल रही हूँ, किंजू बेबी को बोल रही हूँ। अब दो तीन रोटी तो बनानी है, मुझसे रसोड़े में ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रहा जाता, नहीं तो मैं ही बना लेती। ठीक है बा, मैं बना दूंगी। चलो अपना साग सोई ले। पिज्जा बाहर से मंगवा रहे थे तो क्या रोटी बाहर से नहीं मंगवा सकते थे? बस किसी ना किसी बहाने से बहू किचन में दिखनी चाहिए, जैसे कि बहू रोटी बनाएगी तो रोटी में मोती लग जाएंगे। I don't understand this obsession. काव्या एक्चुअली बापूजी को बाहर का खाना सूट नहीं करता है। तो ये बात अनुपमा को सोचनी चाहिए ना, अगर वो दो रोटी बना के चली जाती तो क्या होता? किंजल जी बा, रोटी पतली बनाना, वनराज के बापूजी को पतली रोटी चाहिए। पर बा रोटियां तो बन गई। वो मैं खा लूंगी, तू उनके लिए पतली रोटी बना ही दे। बस बस, सूखा आटा कम, रोटी सूख जाएगी। अब गोल घुमा, गोल घुमा, हाथ से नहीं ऐसे गोल गोल घुमा जैसे अनुपमा करती है। इतने दिनों से तू अनुपमा से खाना बनाना सीख रही है, ढंग से रोटी बेलना नहीं सीख पाई। कर कर धीरे, ये देख ये जल जाएगी, ले ले जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ और कपड़े से तवा साफ कर, सूखा आटा जला हुआ है। पतली पतली। हाँ हाँ, उमा बापूजी को कटहल खाना था कल, किंजल कटहल काटना नहीं जानती। बा आपका साबूदाना। ये तो कच्चा है। लेकिन बा मम्मी ने जैसे समझाया था वैसे ही बनाया है। वैसे ही बनाया होता तो कच्चा नहीं होता।
अनुपमा जब सिखा रही है तो ढंग से सीख लेना, अब कोई नहीं खाएगा ये, अन्न की बर्बादी हो गई। सॉरी बा। देख हमें पता है कि तुझे ऑफिस में काम है, इसलिए हम तुम्हें कोई काम नहीं बोलते। एक ही तो काम बोला था, वो भी तूने जल्दबाजी में ढंग से नहीं किया। जा अब ये गाय को खिला दे बाहर। ये देखो, कल इतना समझाने के बाद भी किंजल ने आज मोटी मोटी रोटियां बना दी। बा उसे आदत नहीं है, ऊपर से ऑफिस के काम का इतना बोझ है उस पे, मेरी गलती है। रोटियां भी मुझे बना देनी चाहिए थी। अरे तू दाल सब्जी तो बनाती है, ऊपर का सारा काम हम कर देते, उसे सिर्फ रोटियां तो बनानी थी, वो भी ठीक से नहीं बनाई। कल साबूदाना की खिचड़ी बनाई थी, वो भी कच्ची थी। जिस काम की आदत न होने उसे सीखने में समझने में समय तो लगेगा ने, और उसने अपने घर में ये सब काम कभी भी नहीं किया है। हाथ बटाना अलग बात है, पर अगर हम अचानक से स्वीटी से कहें कि जा रोटी बना दे, तो क्या वो बना पाएगी? मुझे पता है कि उसको आदत नहीं है, पर सिखा रहे तो सीखना चाहिए ना। उसका ध्यान अभी पूरा का पूरा ऑफिस के काम पे, वरना आप जानती है कि वो आपको एक चम्मच तक उठाने नहीं देती। बेचारी फंसी हुई है, ऐसे में हमको भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा ना। मेरा आई कार्ड रह गया। या एंड गेट द अकाउंट्स डन। ओके या वी हैव टू जस्ट अ सेकंड। बा चाय? चाय पक्का ही नहीं? मैंने कहा था ना कि दूध डालने के बाद चाय को उबाल के पकानी पड़ती है। बा मेरी मीटिंग चल रही है। मुझे कैसे पता चलेगा ये कान में फुंतरू डाल के तू मीटिंग कर रही है, बालों में दिखा नहीं? आप पता चल गया ना, और चाय में दूध डालने के बाद मैंने सिर्फ 10 मिनट पकाया है। पकाया होता तो ये चाय इतनी सफेद नहीं होती। अब चाय पत्ती का रंग नहीं आ रहा तो उसमें मैं क्या करूं? अरे अनुपमा भी यही चाय पत्ती से चाय बनाती है, उसकी तो बराबर बनती है। नक्की तूने दूध जल्दी डाल दिया होगा। काम करो तो दिल से करो और अच्छा करो, उसके लिए टाइम भी तो होना चाहिए ना। इससे अच्छा मना ही कर दिया कर, कम से कम अन्न की बर्बादी तो नहीं होती। काम करने पे इतने इश्यूज हो रहे हैं, मना कर दूंगी तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। वाओ, अरे अनुपमा भी तो घर का काम बाहर का काम सब करती है। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड बा, मैं किंजल हूं, मम्मी नहीं। मम्मी ऐसे करती है, मम्मी वैसे करती है, मम्मी ऐसे रोटी बनाती, मम्मी ऐसे चाय बनाती है। जो काम मम्मी सालों से करती आ रही है उनके जैसा काम मैं 2 दिन में कैसे कर लूंगी बा? ना कभी काम किया है ना हो रहा है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, और आप है कि मेरे काम को अप्रिशिएट करने के बजाय उसमें खामियां निकाल रही है। मम्मी तो सुबह सुबह निकल जाती है और सीधा रात को आती है, और फंस जाती हूँ मैं। आई अंडरस्टैंड बा कि मम्मी बिजी है, लेकिन बिजी तो मैं भी हूँ ना, काम तो मैं भी कर रही हूँ ना, क्या मेरा काम काम नहीं है? बट स्टिल आप जो बोलती है मैं वो करती हूँ, भले ही मेरे पास टाइम नहीं हो, मैं थकी हुई हूँ, मैं करती हूँ बा। और आप एक कंप्लेंट बॉक्स लेकर बैठ जाती है, बात बात पे आप मुझे मम्मी से कंपेयर करने लगती है। थक गई हूँ बा मैं, अनुपमा अनुपमा सुन सुन के थक गई हूँ। प्लीज डोंट एक्सपेक्ट मी। वाओ किंजल, 2 दिन में तुम तो मम्मी से अनुपमा पे आ गई। कभी कभी ऑफिस में बॉस हमें सही काम करने पे भी डांट देते हैं, पर फिर भी हम चुपचाप सुन लेते हैं, क्योंकि वो बॉस है। बॉस की गालियां भी सुन लेते हैं, पर घर में अगर कोई बड़ा जरा सा भी डांट दे तो हमें बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा क्यों? जैसे बॉस हमेशा सही नहीं होते, वैसे घर के बड़े भी हमेशा सही नहीं होते, पर फिर भी वो हमेशा घर के बड़े जरूर होते हैं, है ना?
मुझे नहीं लगता कि किंजल ने कुछ गलत किया है। बा अगर ऐसे इंस्टिगेट करेगी तो आग में घी डालने का काम मत करो काव्या। गीता और अपने आप में थोड़ा तो फर्क रहने दो। आपकी बात सही है मम्मी, पर मेरा रिएक्शन भी तो जस्टिफाइड है। बा आपके साथ अलग बिहेव करती है और मेरे साथ अलग बिहेव करती है।